नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। पीलीभीत में चार दिन पहले 8 वर्षीय मासूम की हत्या कर तालाब में फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्चे के सगे मौसा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे की मां से पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे का कारण मासूम की मां व मौसा के अवैध संबंध का होना बताया गया है। मौसा ने गला घोंटकर बच्चे को गांव के तालाब में फेंक दिया था। घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के सिकलापुर गांव की है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर मृतक के मौसा को गिरफ्तार कर लिया है और मां से पूछताछ कर रही है। पीएम मोदी की पूर्वांचल के 2 जिले सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाएं हुई। पीएम मोदी सोनभद्र के मंच पर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश कमजोर सरकारों के रहते शक्तिशाली नहीं बन सकता है। जितनी ज़्यादा मजबूत सरकार होगी, उतना ही शक्तिशाली भारत होगा। आपका एक वोट देश में शक्तिशाली भारत का गठन करेगा। हमने गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई तो ये लोग उसका भी विरोध करने लगे। सभा में कई गणमान्य लोग मंचासीन थे। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।